नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तावी। जब भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे 2020 हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, तो उसमें कोई एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम गेंदबाजी करती है। लेकिन मैच के पूर्व अंपायर टॉस करता है और फिर यह तय होता है कि कौन सी टीम बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी। लेकिन टॉस के हारने या जीतने से मैच का निर्णय नहीं होता। दोनों टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ, योजना के साथ अंतिम बॉल तक खेलते हैं। और खेलते इसलिए नहीं है कि खेलना है, बल्कि खेलते इसलिए है कि उन्हें मैच जीतना है। ऐसा हर खेल में होता है, चाहे वो फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, या हॉकी हो, या फिर और कोई खेल हो। हर कोई खेलता है जीतने के लिए। तो फिर जिंदगी के हर मुकाम पर हमें कोशिश करना है, प्रयास करना है, और प्रयास इसलिए करना है कि जीतना है। क्रिकेट में टॉस हारने पर भी कोई टीम कभी मायूस नहीं होती। टॉस के हारने या जीतने से उनके जीत के लक्ष्य पर, उनके मकसद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सिचुएशन के मुताबिक वो जीत के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मायूस नहीं होते, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं होती और उनका पूरा ध्यान केवल जीत पर होता है। खेलों में महत्वपूर्ण होता है उत्साह, उमंग, टीम बिल्डिंग। वैसे ही जिंदगी में किसी भी सिचुएशन से या किसी भी हार से या किसी भी असफलता से मायूस होने की जरूरत नहीं है। खेल में मायूस हुए तो खेलने के पहले ही हार जाओगे। वैसे ही जिंदगी में जितना प्रयास कर सको करो, मायूस मत होना, हारना मत, निरंतर कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंसी बनी रहना चाहिए। एग्जाम में कम मार्क्स आए या रैंक कम आए तो अभी हार मानकर मत बैठना, ये मन में सोचना कि कोशिश तुमने पूरी तो की थी। कभी जिंदगी में डिप्रेशन का ख्याल भी आ जाए तो ये सोच रहा कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। यू आर बोर्न टू मेक इम्प्रेशन। डिप्रेशन शब्द की जगह इम्प्रेशन शब्द अपने दिमाग में बैठा लो। दुनिया में अपने काम से इम्प्रेशन जमाना है। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें कामयाब होने से रोकते हैं। अपनी पावर को समझो, अपनी ऊर्जा को समझो। दुनिया में हर इंसान एक यूनिक है, बस उसको अपनी वैल्यू को समझने की जरूरत है। अपने रोल को अदा करो, ये यूनिवर्स की स्ट्रेटेजी को समझो, लगातार कोशिश करो। ये यूनिवर्स भी सोचता है कि तुम सफल, तुम बेकार नहीं हो, तुम काम के हो, तुम्हें कुछ काम करना है, तुम एक पर्पस के लिए आए हो। इसलिए हारने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, लगातार कोशिश करो। वक्त के अंधेरों पर सफलता का उजियारा फैला दो। कई बार जीवन में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जो व्यक्ति को परेशानी, निराशा, हताशा की ओर ले जाते हैं, जिसमें वह खुद को अकेला, कमजोर महसूस करता है, खुद की वैल्यूज भूल जाता है और खुद को डिप्रेशन में महसूस करता है। परंतु क्या वाकई डिप्रेशन है या फिर प्रबंधन की कमी, तकनीकी कमी, अभ्यास की कमी, ये समझना होगा। अरे जिंदगी में कोई छोड़ गया तो छोड़ गया, कोई तोड़ गया तो तोड़ गया, मैच हार गए तो हार गए। लेकिन अभी भी ये समझना कि सीरीज पूरी बाकी है। एक पन्ना खराब होने से या एक पन्ना भूलने से पूरी किताब को मत भूल जाओ। अपने मकसद को ध्यान रखना। एग्जाम में पास नहीं हुए तो नहीं हुए, अवसर नहीं मिला तो नहीं मिला, सफलता नहीं मिली तो नहीं मिली। फिक्र करने की जरूरत नहीं, घबराना मत, रोना मत, चाहे कोई भी हो, IAS, UPSC, SSC, बैंक, नीट, JEE, कोई भी एग्जाम हो, एक असफलता से कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारा एग्जाम है तो फिर से दो, दोबारा तैयारी करो, दोबारा कोशिश करो, और तैयारी ऐसी करो कि एग्जाम में मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम हो। अवसर नहीं मिला तो खुद अवसर पैदा करो। आप में वो ताकत है, उसको समझो। रोने से, घबराने से, परेशान होने से, मायूस होने से कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। एक असफलता हो गई या गलत रास्ते पर निकल गए तो कोई बात नहीं, लौट कर आ जाओ। फिर से एक मौका है तुम्हें लौटने का, लौट कर आ जाओ और फिर शुरुआत करो।
जिंदगी अपने मुकाम को चाहती है, यानी तुम्हें अपने मुकाम को प्राप्त करना है। यदि लौट कर आकर फिर से तैयारी कर सको तो फिर से तैयारी करो। तुम्हारे लिए रास्ता सफलता के लिए खुला है, बस प्रयास की जरूरत है, तुम्हारे सोचने की जरूरत है, तुम्हें अपने माइंडसेट को बनाने की जरूरत है। तुम सक्सेस के लिए ही बने हुए हो। लौट आओ उसी रास्ते पर जिसे सफलता कहते हैं, सक्सेस कहते हैं। जिंदगी एक खेल है, एक हार से कुछ नहीं होता। यदि मान लो एक मैच हार भी गए तो कोई फिक्र करने की बात नहीं, पूरी सीरीज बाकी होती है। एक असफलता से कुछ नहीं होता, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। एक एग्जाम में फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, तुम्हारा नाम मेरिट में होगा। ऐसी तैयारी करो, और भी अटेम्प्ट्स हैं, काम करो। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो फिर क्यों उम्मीद छोड़ रहे हो। कई बार देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहले कुछ मैच में कोई टीम हार भी गई तो भी वो वर्ल्ड कप के लिए कोशिश करती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो शुरुआती दौर में पढ़ाई में कमजोर थे, उन्होंने इतिहास रच दिया। तुम्हें भी इतिहास बनाना है, तुम्हें भी इतिहास रचना है। यू आर फॉर पर्पस। अपनी वैल्यू समझो और फिर एक शुरुआत करो। नई शुरुआत होगी, कोई चिंता नहीं, हर दिन अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। जिंदगी की सुबह को समझो, अपने उत्साह और उमंग को समझो। तुम्हें रोशन करना है दुनिया को, ये समझकर फिर से स्टार्ट करो। हारने की जरूरत नहीं। डिप्रेशन के शब्द को भूल जाओ, इंप्रेशन के शब्द को याद करो। अपने माइंडसेट को बना लो कि दुनिया को तुम्हें इंप्रेसिव करना है। दुनिया तुम्हें सलाम करे, दुनिया तुम्हें मान जाए कि तुम ऐसे सफलता प्राप्त किए हो। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गुड लक, बेस्ट विशेस, बी हैप्पी, बी हेल्दी और बी वेल्दी, बी सक्सेसफुल। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी।